कुशल युवा कार्यक्रम एक सरकारी पहल है जिसका मकसद युवाओं को रोजगार के अवसरों और उनकी कौशलिक ताकत को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाता है और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC के तहत निर्माण किया गया है। कुशल युवा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवा महिलाओं और पुरुषों को कौशलिक विकास के माध्यम से रोजगार संबंधित अवसर प्रदान करना है। तो कुशल युवा कार्यक्रम में रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको इस पेज में आना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे या न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन इसके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ एप्लीकेंट का फर्स्ट नेम फिल करेंगे, अगर मिडिल नेम है तो यहाँ फिल करेंगे, अगर लास्ट नेम है तो यहाँ फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ एक ईमेल आईडी फिल कर देंगे, यहाँ एप्लीकेंट का आधार नंबर फिल करेंगे, यहाँ एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर, अगर ये एप्लीकेशन आप वसुधा केंद्र से अप्लाई कर रहे हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, वरना नो पे रहने देंगे। उसके बाद यहाँ जो भी मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा वो OTP यहाँ फिल करेंगे, और जो ईमेल पे OTP जाएगा वो OTP यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ से KYP ये वाला ऑप्शन को चूज़ कर लेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देखिए जैसे कि हमने सेंड OTP पे क्लिक किए तो यहाँ मेरा मोबाइल पे भी OTP चले गया है और ईमेल पे भी OTP चले गया है। तो यहाँ मेरा मोबाइल पे जो OTP गया है उसको हम यहाँ डाल दिया, जो ईमेल पे गया है उसको भी यहाँ डाल दिए। उसके बाद यहाँ हम सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको ओके कर देंगे तो ये मेरा सबमिट होने लगेगा। मुझे अभी वेट करना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही देखिए मेरा यहाँ मैसेज आ गया है, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, योर यूज़र ID एंड पासवर्ड हैज़ बीन सेंट योर रजिस्टर्ड ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर, प्लीज़ प्रिसर्व द यूज़र ID एंड पासवर्ड फॉर फ्यूचर यूज़। उसके बाद यहाँ गो टू होम पेज इसके ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ जो आपके ID और पासवर्ड यहाँ भेजा गया आपके मोबाइल नंबर पे उसको यहाँ फिल करेंगे, ये कैप्चा यहाँ फिल करेंगे और लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पासवर्ड को चेंज करना होगा। यहाँ अपना ओल्ड पासवर्ड फिल करेंगे और यहाँ जो न्यू पासवर्ड रखेंगे उसमें कैरेक्टर, लेटर, नंबर, सिंबल सब मिला हुआ होना चाहिए, उसको यहाँ फिल कर देंगे, उसको यहाँ कंफर्म करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही देखिए पासवर्ड चेंज या रीसेट सक्सेसफुली, अब प्लीज़ लॉगिन अगेन, या क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम फिर यहाँ से अपना ID डालेंगे और जो पासवर्ड आप यहाँ चूज़ किए या रिसेट किए उसको यहाँ फिल करेंगे, ये कैप्चा यहाँ फिल करेंगे और लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करते ही देखिए आपका यहाँ कुशल युवा प्रोग्राम यानी KYP का पूरा फॉर्म खुल करके आ गया है। आपको अपना 10 का पूरा डिटेल्स फिल करना है, जैसे कि यहाँ से मैट्रिक 10 बोर्ड यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, कौन सा बोर्ड से आप पास किए थे, जैसे कि हम बिहार बोर्ड से किए हैं तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे, और रोल नंबर क्या है वो यहाँ फिल कर देंगे, और रोल कोड जो भी है उसको यहाँ फिल कर देंगे, और सेलेक्ट रेगुलरली इसको हम यहाँ रेगुलर हम हैं तो रेगुलर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, आप कौन सा साल पास किए हैं, जैसे कि मेरे मार्कशीट में 2021 में हम पास किए थे, 2021 यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे, 2021 ले लिया। उसके बाद यहाँ स्कूल का नाम फिल करेंगे, यह ऑटोमेटिक आ जाएगा, रोल नंबर और रोल कोड फिल करने के बाद ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, अगर नहीं आता है तो आपको फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ 12 स्टैंडर्ड में पास किए हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, वरना नो पे क्लिक करेंगे। अगर 12 में पास किए यस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ 12 का भी डिटेल्स फिल करना होगा, चलिए हम नहीं किए इसको नो पे क्लिक करेंगे। यहाँ अपना फर्स्ट नेम या मिडिल नेम या सरनेम या लास्ट नेम फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ फादर का फर्स्ट नेम या हस्बैंड का फर्स्ट नेम फिल करेंगे या मिडिल नेम या लास्ट नेम। उसके बाद यहाँ मदर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम फिल करेंगे। यहाँ आपका ईमेल आईडी आ जाएगा, यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे तो यहाँ आपका एज और मंथ दोनों आ जाएगा। यहाँ से अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेंगे, आप सिंगल हैं या शादीशुदा हैं, चलिए हम सिंगल है तो सिंगल सेलेक्ट कर लेंगे। फिजिकली डिसेबिलिटी अगर आप हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, वरना नो पे रहने देंगे। उसके बाद आपका यहाँ मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर आ जाएगा, यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, आप जनरल में है या EBC BC1 BC2 में है, चलिए हम जनरल सेलेक्ट कर लिए हैं। यहाँ अपना अकाउंट नंबर फिल करेंगे, यहाँ बैंक का नाम फिल करेंगे और यहाँ ब्रांच नेम यहाँ आ जाएगा, यहाँ IFSC कोड फिल करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ परमानेंट एड्रेस आपको फिल करना होगा, अगर आप गांव से हैं तो रूरल सेलेक्ट करेंगे, अगर शहरी से हैं तो अर्बन सेलेक्ट करेंगे, चलिए हम गांव से हैं तो यहाँ रूरल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पूरा यहाँ एड्रेस फिल करेंगे और नीचे आएंगे, यहाँ रेसिडेंटल एड्रेस फिल करना होगा, तो इसमें भी अगर आप दोनों ऊपर का और नीचे का एड्रेस सेम है तो यहाँ सेम एस पे टिक कर देंगे, इसको नीचे भी पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद सेव एस ड्राफ्ट इसके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सेव एज ड्राफ्ट करने के बाद आपको प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है, या प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म कुछ इस तरह से होगा।
देखने को मिलेगा पूरा है। इसको एक बार फिर से जांच पड़ताल कर लेंगे, अगर कुछ गलती लगता है तो आप उसको दोबारा से एडिट कर सकते हैं। चलिए हम जैसे कि पूरा जांच कर लेते हैं, उसके बाद जांच करने के बाद आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद आपको यहाँ सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ आपको लोकेशन देना होगा कि आप ट्रेनिंग कहाँ लेना चाहते हैं, कुशल युवा ट्रेनिंग। तो पहले सबसे पहले हम यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेंगे कि अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ITI या अदर कुछ भी है। चलिए हम अंडर ग्रेजुएट है तो इसको सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ प्रीफरेंस तीन आपको सेलेक्ट करना है, चलिए हम तीनों का ले लेते हैं। पहले डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे उसका, मेरा डिस्ट्रिक्ट कटिहार है, इसको सेलेक्ट कर लिए। और ब्लॉक कहाँ पड़ता है वो यहाँ से चूज़ कर लेंगे। और दूसरा प्रीफरेंस में आप यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। उसके बाद यहाँ से ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे, कौन सा ब्लॉक में लेना चाहते हैं आप। चलिए हम 1200 ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे, और 1200 में कोई अवेलेबल अगर होगा तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा। और थर्ड प्रीफरेंस में आप यहाँ अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे, आप कौन सा ब्लॉक में लेना चाहते हैं। चलिए हम 1200 भी ले लिए हैं, बलरामपुर भी ले लिए हैं, तो अब मुझे कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट और भी लेना होगा। तो लेने के लिए हम यहाँ कटिहार ही सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए हम कटिहार ले लेंगे, उसके बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद ये टर्म एंड कंडीशन कुछ दिया हुआ है, इन सबको आप बढ़िया से रीड कर लेंगे, पढ़ लेंगे। यहाँ एक्सेप्ट करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही यहाँ कंफर्म मैसेज, इसको यहाँ से हम ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो हमको यहाँ प्लीज़ वेट करने के लिए बोल रहा है, हम यहाँ वेट करेंगे और मेरा यहाँ एप्लीकेशन सबमिट हो रहा है। जैसे कि देखिए KYC स्कीम कन्फर्मेशन आपको यहाँ मिल चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज इतना है, प्लीज़ क्लिक टू बिलो गेट द एक्नॉलेजमेंट डॉक्यूमेंट, योर ईमेल ID और डाउनलोड द एक्नॉलेजमेंट PDF फॉर्म, डाउनलोड द PDF मेन्यू अबोव। यहाँ से हम जनरेट ईमेल एक्नॉलेजमेंट कर सकते हैं, या फिर मेन्यू में जाके हम यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हमको ईमेल में सेंड करना है, तो जनरेट ईमेल एक्नॉलेजमेंट इसके ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो मेरे ईमेल ID पे मेरा एक्नॉलेजमेंट भेज दिया जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ द एक्नॉलेजमेंट डॉक्यूमेंट हैज़ बीन सेंट योर रजिस्टर्ड ईमेल ID, काइंडली चेक योर स्पम ईमेल अल्सो। आपके ईमेल ID पे आपका एक्नॉलेजमेंट भेज दिया गया है, वहाँ से आपको PDF में मिल जाएगा। वहाँ से आप इसको प्रिंट करके आप अपना DRS ऑफिस पहुँच सकते हैं, वहाँ आपको अपना डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराना होगा। जैसे कि हमने अपना ईमेल ID पे चेक किया है तो ये PDF मेरा यहाँ डाउनलोड होकर ओपन हो गया है। यहाँ आपका निबंधन संख्या आ जाएगा, यहाँ आवेदक का नाम आएगा, उसका फादर नेम, जेंडर आ जाएगा, यहाँ आपको एक फ़ोटो अपना सटाना है, चिपकाना है, जन्मतिथि आ जाएगा, जाति वगैरह, आधार नंबर और यहाँ खाता संख्या, IFSC कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, ये सब आ जाएगा। यहाँ आपका मैट्रिक का इन्फॉर्मेशन पूरा आ जाएगा, आधार कार्ड से उपयोग के संबंधित घोषणा ये भी आ जाएगा। इन सबको आप बढ़िया से रीड करेंगे, उसके बाद यहाँ आवेदक अपना यहाँ पर एक हस्ताक्षर करेंगे, यानी सिग्नेचर करेंगे। यहाँ अपना स्थान या तिथि लिख देंगे जिस दिन आप जमा करेंगे फॉर्म को। उसके बाद आप यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ महत्वपूर्ण अनुदेश लिखा हुआ है, इसके इस सबको आप बढ़िया से पढ़ लेंगे। पूरा फॉर्म को पढ़ने के बाद जब आप वहाँ फॉर्म को जमा करेंगे तो आपका ये पावती रसीद आपको चीर के या फाड़ के आपको दे दिया जाएगा। आपको साथ साथ में अपना आधार कार्ड, अपना पासबुक, मेट्रिक का पूरा डिटेल्स, एडमिट कार्ड, मार्कशीट, इन सबको लेकर के जाना है। आप 60 दिन के अंदर किसी वक्त भी जा सकते हैं, और जा करके 10 से 5 बजे के अंदर आपको जाना है, वहाँ जाके अपना फॉर्म को सबमिट करना है। सो, इसी तरह से आप अपना KYP या कुशल युवा प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और इस तरह का इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।